नंबर आते हैं 3 पे. फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ अ हाउस बिल्ट इन अ हिल रिजॉर्ट टू कीप द हाउस इंसुलेटेड फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड. ये आउटसाइड टेम्परेचर है -20 और ये अंदर का टेम्परेचर 25 को इंसुलेट करने के लिए वॉल ऐसे बनाई गई है. अब यहाँ बोला है वॉल कंसिस्ट ऑफ टी कूड ऑफ थिकनेस L1, ये टी कूड है, L1 थिकनेस का थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड ब्रिक ऑफ थिकनेस L2 5L1 इसका और थर्मल कंडक्टिविटी भी K2 5K1 दिया हुआ है. हीट कंडक्शन थ्रू वॉल हैज रीच्ड अ स्टेडी स्टेट विद टेम्परेचर ऑफ 3 सर्फेसेस. 3 सर्फेसेस को होते हुए स्टेडी स्टेट हुआ है, मतलब ये सभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट्स है और ये दोनों आइडेंटिकल सर्फेसेस हैं. T1 है 25, T2 है 20 और T5 जो टेम्परेचर है वो मुझे गिवन है -20°C. फाइंड इंटरफेस टेम्परेचर T3 एंड T4. तो इसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं रेजिस्टेंस है ना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे ये T1 हो गया, फिर ये वाला हो गया मेरा T2, फिर ये वाला हो गया हमारा T3, फिर ये हो गया मेरा T4 और ये हो गया मेरा T5. अब इनके रेजिस्टेंसेस की अगर बात की जाए तो सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. तो R1 को अगर मैं लिखता हूँ L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू A ना, तो ये R2 जो हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू A. तो L2 तो है मेरा 5L1 और सिमिलर वे में K2 है 5K1 गिवन है. तो ये निकल के आया आपका L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू A विच इज इक्वल टू R1. तो यहाँ का रेजिस्टेंस अगर R1 बोला हूँ तो यहाँ का रेजिस्टेंस R2 भी मेरा निकल के आया R1 और ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इन दोनों के सेम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L/KA ना. यहाँ पे ना L दिया ना K दिया तो इसको आप अननोन ही मान लीजिए. मुझे T3 और T4 पता करना है. तो T1 है मेरा 25, T2 है मेरा 20 और T5 है मेरा -20. तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सब में थर्मल करंट सेम फ्लो करेगा. तो मैं थर्मल करंट अगर लिखने जाऊँ तो बड़ा माइनस छोटा ना TH-TC, तो 25-20 डिवाइडेड बाई इसका R1. वैसे यहाँ पे लिखूंगा 20-T3 डिवाइडेड बाई क्या बना हुआ है R, और वैसे यहाँ पे लिखूंगा तो ये बनेगा T3-T4 डिवाइडेड बाई R और यहाँ पे बनेगा T4-20 डेट इज +20 डिवाइडेड बाई R1. अब क्या करें, फर्स्ट और लास्ट को उठाते हैं तो R1 से R1 कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में ये आया 5 और यहाँ बना हुआ है T4+20. तो मेरा T4 टेम्परेचर तो आ गया -15°C. अब आते हैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करने, R से R कैंसिल, तो 20-T3 इज इक्वल टू T3-T4. यहाँ से 2T3 इज इक्वल टू 20+T4. अब T4 की वैल्यू रख दें -15, तो 20-15 ये आया 2T3. तो यहाँ से 2T3 आप लिख देते हैं 5, तो यहाँ से T3 की वैल्यू आ गई 5/2 विच इज 2.5°C. तो ये हमने निकाल लिया थर्ड है ना क्वेश्चन का T3 और T4 के टेम्परेचर्स. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे. इन प्रीवियस एग्जांपल K1 आपको गिवन है 0.125, K2 5 टाइम्स K1 है 0.625, फिर थर्मल कंडक्टिविटी अननोन मटेरियल की K मुझे गिवन है 0.25, L1 मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, L2 है 5L1 20 सेंटीमीटर, L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. इफ़ हाउस कंसिस्ट ऑफ सिंगल रूम ऑफ टोटल एरिया 100 स्क्वायर मीटर फाइंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक ना हीटर यूज्ड इन द रूम. तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था. तो टोटल कितना पावर चाहिएगा, तो यहाँ पे हम है ना पावर मतलब क्या होगा, टोटल लेट्स से हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अंदर से बाहर इज इक्वल टू ना थर्मल करंट पूछा है दैट इज डेल्टा टी 25-20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब हम क्या बोल सकते हैं, ये सभी किस में है, सीरीज में. तो ये R2 तो R1 था, तो ये दोनों आपके 2R1+2R. अब R1 और R निकालने जाना है. तो R1 की वैल्यू मैं लिखने जाऊं तो R1 कितना बना हुआ है, R1 है L1 डिवाइडेड बाय K1 इनटू एरिया. अब K1 मेरे पास गिवन है इज इक्वल टू 0.125, ये K1 है, L है मेरे पास L1 4 सेंटीमीटर 10⁻², K1 की वैल्यू है 0.125 और यहाँ पे
एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, तो ये निकल के आएगा आपका नीचे आया 10 पावर 4 होते हुए दिस इज 1250, ये निकल गया मेरे पास। वैसे ही R की वैल्यू बोलूं तो ये है L डिवाइडेड बाय K इनटू A। अब लेंथ L की वैल्यू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इनटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय K की बात की जाए तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी अननोन का है 0.125, है ना, ये 0.25 है और इसका एरिया है सेम 100, तो ये निकल के आया मेरा इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 10 और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो डिनोमिनेटर में 10 पावर 4 दिस इज 2500। तो यहाँ पे अगर मैं एक से ना 2 से काट दूँ दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 1250 करते हुए, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इक्विवेलेंट, है ना, जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का डेट इज 2R1 प्लस 2R करते हुए, तो ये आया 2 टाइम्स R1 प्लस R करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 1250 विच इज इक्वल टू 18 बाय 1250 करते हुए, तो इसको यहाँ पुट कर दें तो ये पावर जो आएगा ऊपर बना हुआ है 45 और डिनोमिनेटर में मेरे पास बना हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो 18 डिवाइडेड बाय, ये निकल के आया 1250 इतना वाट SI यूनिट में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आया 6 ऊपर आया 315 जा, तो है ना 315 जा 45 हो जाएगा और इनटू क्या बना हुआ है 1250, इसे मैं और किससे कैंसिल कर सकता हूँ 3 से कैंसिल करने चल जाऊँ तो 2 जा 35 जा इनटू 1250, ये निकल गया है मेरा 6250 डिवाइडेड बाय 2 वाट विच इज इक्वल टू 3125 वाट, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.125 किलो वाट करते हुए, तो इतना हीटर का है ना पावर, इतना पावर का हीटर मुझे चाहिए इतना कांस्टेंट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, कॉपर रॉड जॉइंट टू अ स्टील रॉड है, एक कॉपर रॉड को स्टील रॉड से जॉइन किया है, रॉड्स हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया, दोनों का लेंथ भी बराबर है दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर है, फ्री एंड ऑफ कॉपर रॉड इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट ऑफ स्टील रॉड इज केप्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ द रॉड, इस जंक्शन का टेम्परेचर पता करना है, थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की गिवन है, तो अगर कॉपर का अगर रेजिस्टेंस बात करूँ तो L बाय K इंटू A, तो कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है इज इक्वल टू 390, और वैसे ही स्टील की बात की जाए तो लेंथ और एरिया तो सेम है पर कंडक्टिविटी सेम नहीं है, तो K2 की वैल्यू मेरे पास है 46 इंटू A। अब मैं यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर नहीं रहा, बस इसी फॉर्म में रख रहा हूँ, अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मुझसे ये टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पूछा है, तो बेस्ट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आप मान लीजिए कि यहाँ से भी हीट बाहर गया यहाँ से भी हीट बाहर गया ना, तो आप बोल सकते हैं टोटल हीट लिविंग इज इक्वल टू 0, इन दोनों हीट का है ना दोनों हीट बाहर जा रहे हैं तो I1 प्लस I2 का सम कितना हो जाएगा मेरा 0, सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, किरचॉफ करंट लॉ का यूज़ कर रहे हैं, डैट इज ये हाई टेम्परेचर हो गया ये लो टेम्परेचर हो गया, हीट हाई से लो फ्लो करेगी, तो मैं लिख देता हूँ टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस सिमिलरली I2 की बात करूँ तो टी माइनस 100 डिवाइडेड बाय मेरा बना हुआ है R2 इज इक्वल टू 0। अब R1 की वैल्यू तो है L बाई 390 है रख दीजिए, तो L बाय 390 A दिस इज 390 A, और वैसे ही दिस इज T माइनस 100 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू है L बाय 46 ऑफ A, इन दोनों को ऐड करके 0, L बाय A कैंसिल, 390 न्यूमरेटर में जाते हुए ये बन के आया 390 इंटू टी प्लस 46 इंटू दिस इज टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो ये आया मेरा 390 T प्लस 46 T माइनस 4600 इज इक्वल टू 0, इसे ऐड किया जाए तो 436 T इज इक्वल टू 4600, यहाँ से T जब निकालेंगे ना डिवाइड कीजिए लगभग आएगा है ना, क्योंकि
10 तो होगा नहीं, 10 से तो थोड़ा ज्यादा होगा, 4360 से ज्यादा, तो 10 है ना 11 के कहीं बीच होगा, तो 10.6 डिग्री सेल्सियस आएगा जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे, एल्यूमिनियम एंड कॉपर रॉड ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आर वेल्डेड टुगेदर, कुछ इस तरह से वेल्डिंग की है। अब one end is kept at temperature of 20 degree Celsius, other at 60 degree Celsius. Find amount of heat taken out per second. Q by T हमसे पूछा गया है, इस hot end से कितना है ना heat take है ना बाहर निकला होगा, तो इस direction में heat flow करेगा, तो कितना heat flow किया, तो let's say ऊपर वाले से flow किया heat I1, नीचे वाले से flow किया heat I2, तो I1 को आप लिख सकते हो हॉट माइनस कोल्ड टेम्परेचर 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय R1, और वैसे ही I2 को लिख सकते हो 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा R2। तो लेट से R1 का रेजिस्टेंस बोला जाए तो L1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ, K1A1। तो L और A तो सेम है, तो L है 1, K एल्यूमिनियम के लिए दिस इज 200 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर माइनस 4 हो गया, ये आया 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 200। वैसे ही मैं बात करूं R2 की, तो R2 कॉपर के लिए L बाय L2 बाय K2 इनटू A2, तो L2 है 1 मीटर, K2 है ना एल्यूमिनियम हो गया। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर का K2 है 390 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस कम्स आउट टू बी 390। अब इसको यहाँ रखिए, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय R1, R1 है 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 200, तो ये निकल के आएगा 8 है ना इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4 इज 10 हो गया। और वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो I2 हो गया 40 डिवाइडेड बाय, ये है R2 की वैल्यू मेरे पास, 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 390 करते हैं तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 39 इंटू 4 जा 9 4 जा 36 3 12 3 15 ना 20 नीचे गए 20 बचे तो 1.56 दिस इज 0.8। तो अगर टोटल करंट बात की जाए तो टोटल करंट इन दोनों करंट्स का थर्मल करंट का सम व्हिच इज सिंपली 1.56 प्लस 0.8, तो इसे मैं करता हूँ ये हुआ 6 13 एंड 2 तो 2.36 SI यूनिट क्या हो जाएगा वाट। पूछा गया अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट पर सेकेंड, तो ये आई जो आया ये आई टोटल हीट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे कितना सेकेंड में पूछा है 1 सेकेंड में, तो 2.36 वाट करूँगा तो यहाँ पे टोटल एनर्जी 1 सेकेंड इंटू है ना 2.36 वाट इज 2.36 जूल करते हुए आया, तो इतना एनर्जी फ्लो किया हॉट एंड से। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक का नंबर 7 पे, 3 रॉड्स इन फिगर 1 एल्यूमिनियम कॉपर एल्यूमिनियम हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, मतलब लेंथ और एरिया सेम, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड एट द रेट ऑफ 40 वाट, तो इस हॉट एंड से हीट फ्लो कर रही है 40 वाट के रेट से, Q by T की वैल्यू गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर ना इन फिगर 2, यहाँ से टोटल हीट कितनी फ्लो करके गई होगी ये हमें बात करना है। तो क्या किया जाए, लेंथ एरिया सेम है तो एल्यूमिनियम और कॉपर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस L by K into A, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ पे ये चीज़ मेरा बन गया L, K की वैल्यू है मेरी एल्यूमिनियम की 200 इंटू एरिया A, और वैसे ही कॉपर की अगर बात की जाए तो ये है L बाय है ना इसका K 2 हो गया, तो L और A सेम है तो कॉपर का ये है 400 A। अब ये देख रहा हूँ अगर ये रेजिस्टेंस R0 है तो ये रेजिस्टेंस R0 का 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये आपका सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन गया, तो ऐसे सोचिए एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है मेरा 2R0 और ये भी है 2R0 और कॉपर का रेजिस्टेंस है आपका R0, तो ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो गया सीरीज में है तो सीरीज में सेम फॉर्मूला चलेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5R0 करके। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया यहाँ पे मुझे है ना
let's say temperature difference पता चल गया, thermal current पता चल गया, is equal to 40 watt करके, तो मैं लिख सकता हूँ I is equal to delta theta, which is 100 minus 0 divided by equivalent resistance 5 R naught, तो I की value है मेरी 40, है ना, is equal to, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 100 divided by, this is 5 R naught, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, r नॉट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, तो r नॉट निकल के आया 100 by 200 is 1/2 which is 0.5 ना, ये आया थर्मल रेजिस्टेंस r नॉट की वैल्यू, तो r नॉट मेरा आया 0.5, मतलब इसका रेजिस्टेंस कह दिया 0.5 और इसका रेजिस्टेंस 2 into 0.5 1, तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस तो हो गया 1 करते हुए और कॉपर का रेजिस्टेंस हो गया 0.5. अब क्या करना है, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला कितना होता है ना, R1 into R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का निकालता हूं, तो ये तो हो गया 1 into 0.5 डिवाइडेड बाय 1 plus 0.5 R1 into R2 by R1 plus R2, तो 0.5 by 1.5 which is 1/3, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस 1/3 आ गया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा बन गया 1 plus 1/3 which is 4/3. अब मुझे यहाँ पे equivalent resistance भी मिल गया और यहाँ पे temperature difference पता चल गया, तो अब यहाँ से I की value हो जाएगी temperature difference which is 100 minus 0 divided by equivalent resistance, तो 300 by 4 को मैं लिख सकता हूँ 150/2 which is 75 watt करके निकल के आ गया, तो ये हमने निकाल लिया हमारा ना इस सेकंड में ना कितना रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ना, तो 75 वाट इज योर फाइनल आंसर. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन. आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट नंबर 8 पे बात करने, मेटल रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, वन ऑफ इट्स एंड्स इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हाइल अदर इज पुट एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज फाउंड दैट 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन 5 मिनट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल. तो ये कोई रॉड है ना, और इस रॉड का मुझे दिया हुआ है डायमीटर, मतलब रेडियस मुझे दे दिया है ना, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और फिर इसका लेंथ दिया हुआ है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है पूछा गया है, ये बोला है एक एंड है 100 डिग्री सेल्सियस और एक एंड है 0 डिग्री सेल्सियस. अब हम जानते हैं हीट फ्लो करेगा हॉट एंड से कोल्ड एंड ना, तो ये जो हीट फ्लो करेगा बाय ना कंडक्शन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं Q/T इज इक्वल टू KA/L इनटू, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा थीटा, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस. अब ये जो Q है, ये Q बोला है 25 ग्राम आइस को है ना ये मेल्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, M into LF, मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए फ्यूजन वाला हीट, और टाइम मुझे 5 मिनट गिवन है, मुझे यहाँ पे K की वैल्यू बात करनी है, तो KA into delta T divided by L, तो ये जो K निकल के आएगा ये बन जाएगा M into LF इंटू लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरा बन गया TA into delta T. अब यहाँ क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ, मास है 25 ग्राम kg में ले जाते हुए 25 into 10 power minus 3 SI में लिखता हूँ, फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है 80 कैलोरी पर ग्राम, अब कैलोरी को आप जूल में ले गए 4.2 जूल हो गया डिवाइडेड बाय ग्राम को केजी में 10 power minus 3, तो ये केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा है ना. नेक्स्ट आते हैं लेंथ ऑफ द रॉड 20 सेंटीमीटर है, मीटर में लिख दे रहा हूँ 10 power minus 2, ये भी मीटर हो गया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टाइम है 5 मिनट, मिनट को सेकेंड में लिखते हुए तो 5 into 60, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर किया जाए तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर है 10 power minus 2 मीटर में ले जाते हुए, तो ये आया पाई इंटू 10 power minus 4 हो गया, तो यहाँ पे मेरा एरिया तो आ गया पाई इंटू 10 power minus 4. फिर हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, हॉट माइनस कोल्ड हमेशा, तो 100 माइनस 0 करके आया. अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो गया 300 और ये और 100, 10 पावर माइनस 4 से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे तो आएगा मेरा 3 into pi सीधा,
और वैसे न्यूमरेटर की अगर बात की जाए तो न्यूमरेटर में ये दो जीरो इससे कैंसिल हो गए तो ये हुआ 8 2 16, फिर यहाँ पे बना 25 और यहाँ पे बना मेरा 4.2। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ आपका 25 × 4 जा हो जाता है आपका 100 और फिर 100 × 4 जा 400, तो 400 × 4.2 डिवाइडेड बाय ना, अब इसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3 × π ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने जाऊँगा तो 342 को 1.4 से काटेगा है ना, 3 1.4 और 1.4 फिर 4 से हो जाएगा 5.6 × 100 ये हो गया 560 डिवाइडेड बाय 3.14। तो 560 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम कितना बोल सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर निकालने जाऊँ तो ये आएगा मेरा इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो 3560 के आसपास ना, तो 3 1 जा ये हो गया 3, फिर 26, 8 जा 24, फिर 20 तो 6 जा तो 186 से है ना, क्योंकि 3 तो है नहीं, 3 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये वैल्यू 186 से थोड़ी सी कम होगी। तो ये है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी करते हुए। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स नंबर 9 पे बात करने, 2 थिन कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स मेड फ्रॉम कॉपर विथ रेडियस R1 एंड R2 और R2 R1 से बड़ा है, हैव अ मटीरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के फील्ड बिटवीन देम। यहाँ पे के है ना मटेरियल का कोई थर्मल कंडक्टिविटी है। अब यहाँ पे बोला है इनर एंड आउटर स्पेयर्स आर मेंटेन्ड एट, इनर स्पेयर है TH पे और आउटर स्पेयर है TC पे ना, बाय कीपिंग अ हीट ऑफ पावर P एट द सेंटर ऑफ टू स्पेयर्स फाइंड वैल्यू ऑफ P। तो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है तो क्या किया जाए, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से R डिस्टेंस पे है ना कोई भी एक एलिमेंटल है ना, लेट्स से स्ट्रिप लेने जा रहा हूँ, तो ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया मैंने, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का सपोज करें थिकनेस हमने कितना लिया, dr लिया। यही चीज़ आप क्लास 12th में कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट ना कैपेसिटेंस में स्फेरिकल कैपेसिटेंस में देखेंगे। तो इसका सपोज यहाँ पे थिकनेस हमने लिया dr, तो ये जो r है इसकी लिमिट स्टार्ट तो होगी R1 से और ख़त्म कहाँ पे होगी, R2 पे। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं जितना करंट यहाँ से यहाँ फ्लो किया होगा उतने ये सभी एलिमेंटल स्ट्रिप में फ्लो किया होगा, मतलब ये सभी एलिमेंटल स्ट्रिप आपकी सीरीज में होंगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले वो छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, L/KA करके होता है, तो सबका K तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे L/KA में तो लेंथ जो होगा वो लेंथ कौन सा लेंथ है जिसको हीट क्रॉस करके गया है, तो ये लेंथ हो गया डैट इज dr और डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी तो थ्रू आउट सेम है। और एरिया क्या बोल सकता हूँ, एरिया हो गया मेरा 4πr² क्योंकि स्फेरिकल है। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इन छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ऐड किया जाए, dr ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, ये बन क्या आया dr डिवाइडेड बाय ये हो गया 4πk × r² और यहाँ पे k कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के आया 1/4πk आर का पावर -2 × dr। अब यहाँ पे इंटीग्रेट में लिमिट हमने देखा स्मॉलेस्ट लिमिट R1 और हाईएस्ट लिमिट R2, यहाँ पे मेरा बन जाएगा इज इक्वल टू ये बन क्या है 1/4πk आर का पावर -2 का इंटीग्रेशन आर का पावर -2 + 1/-2 + 1 लिमिट R1 से R2, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, -1/4πk ये 1/r आएगा, तो पहले अपर लिमिट 1/r² -1/r1, एलसीएम लेंगे तो R1 - R2 ये माइनस अंदर गया तो ये बन जाएगा R2 - R1 डिवाइडेड बाय ये हो गया 4πr1r2 × k, दिस इज माय R इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, I इज इक्वल टू जो मेरा Q/T होता है विच इज डेल्टा T डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही
हमारा क्या कहलाता है, थर्मल करंट ही हमारा पावर बना हुआ है, ये कांस्टेंट पावर मेंटेन करेगा। तो ये आ गया TH माइनस TC डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा है R2 माइनस R1, और ये पार्ट 4 पाई R1 R2 के ऊपर गया, तो इनटू 4 पाई R1 R2 इनटू K करके बन गया। तो ये हमने ना इतना हीटर का पावर होना चाहिए ताकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में मेंटेन कर पाए, टेम्परेचर पोजीशन के साथ भले ही चेंज करे, टाइम के साथ चेंज ना करे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।